फिर ये और आप लोग को भी अगर आना है तो आ सकते हो और भैया से विजिट करके अपना फोन, जूता, पंखा, टीवी आके ले सकते हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो वेलकम टू माय चैनल दुपुर ब्लॉग। तो आप सभी को प्यार भरा दुपुर ब्लॉग में स्वागत है। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हम लोग लेने चले गए थे फ़ोन, क्योंकि मेरा भाई को फ़ोन लेना था। तो उसका फ़ोन मतलब टूट गया, तो फिर फ़ोन के बिना कुछ नहीं हो पा रहा था। तो फिर वो आया था हम लोग का घर, तो फिर हम लोग गए फ़ोन ख़रीदने के लिए। तो हस्बैंड जी को ये वाला मॉडल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन हृदय को जो है उसको दूसरा चीज़ पसंद आ रहा था। तो फिर यहाँ पे मेरी नाइसा कर रही थी बदमाशी बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं इधर उधर। जब भी वो फ़ोन का दुकान में जाती है डम्मी लेके घर आती है, और यहाँ पे देख सकते हो तब तक आ गया था मोहरम। तो यहाँ पे पूरा एकदम ये लोग जोश में मोहरम खेल रहा है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर साउंड हम इसलिए म्यूट कर दिए हैं क्योंकि गाना बज रहा था। तो साउंड अगर म्यूट नहीं करते तो कॉपीराइट लग जाता है, इसलिए गाना को कर दिए हैं बंद। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा भाई बोल रहा है ये वाला दूसरा फ़ोन लेंगे, तो फिर मेरा हस्बैंड जी बताया ये वाला लो, अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हस्बैंड जी बोला हम जो लिए हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर यहाँ पे मोहरम में आग लेके खेल रहा था, तो हम सोचे चलो एक वीडियो बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में ये लोग जो खेल रहा था। फिर हम लोग चले गए MI शोरूम में, वहाँ पे पसंद नहीं आया। फिर MI शोरूम में आए तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो वाला भैया जो है फ़ोन दिखाया। फ़ोन दिखाने के बाद फाइनली हम हस्बैंड जी को और मेरा भाई को फ़ोन पसंद आ गया। हम वही चीज़ बोल रहे थे, लेकिन मोहरम खेल रहा था तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा सॉन्ग बज रहा था, तो इसलिए नाइसा चला रही है फोन। पड़ा और यहाँ पे नाइसा देखो फोन चला रही थी और जिंदगी भी बात कर रहे थे। और जूता उता भी MI में मिलता है, तो आप लोग लेने से आ सकते हो। जैसे जूता हुआ, पंखा हुआ, TV हुआ, हर चीज़ अवेलेबल है MI शोरूम में। और इसका हम ओरिजिनल वॉइस जो है वो हम रील में देंगे, तो आप लोग ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हो। और ये भैया बोल रहे थे मेरा थोड़ा सा ये कर लीजिए, मेरा भी वीडियो बना के थोड़ा सा छोड़िएगा, मेरा भी प्रचार कर दीजिए। तो हमने ठीक है भैया कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग बनाए, लेकिन वॉइस आने के लिए यहाँ पे रियल वॉइस नहीं दे पाए, तो फिर हम रील में भी देंगे, तो वहाँ पे आप लोग रियल वॉइस सुन सकते हैं। तो ये भैया अपना परिचय दे रहे थे, मेरा दुकान इस लोकेशन में है, यहाँ से आप लोग आ सकते हो। और भैया बोले दुपुर ब्लॉक के नाम से अगर कोई भी आएगा और बोलेगा तो उसको डिस्काउंट भी मिलेगा, ये चीज़ भैया बोल रहे थे, डिस्काउंट भी मिलेगा दुपुर ब्लॉक की तरफ से। तो आप लोग गाइस जाके ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे हम भैया सारा कुछ बोलने के बाद हम बोल रहे थे जो यहाँ पे आओ और मतलब ले सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। भैया का व्यवहार भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो फिर हम लोग यहाँ पे फ़ोन ले लिए, फ़ोन लेने के बाद अब निकलेंगे घर के लिए, होंगे रवाना, क्योंकि रात भी बहुत हो चुका था। ये भैया बंद कर दिया था अपना शोरूम, फिर हस्बैंड जी का जान परिचय था तो फिर खोल के हम लोग को फ़ोन दिए। उसके बाद फिर हस्बैंड जी बोला तुमको भी लेके देंगे, हम लोग तो एक बार लेने भी गए थे, फिर एक बार जो काम रुक जाता है ना तो वो फिर दोबारा होने में लेट लगता है, वही बात है। तो फिर अब देखते हैं, हस्बैंड जी हमको भी फ़ोन ख़रीद के देंगे, लेकिन कब देंगे, जल्दी ही देंगे, वो बोल रहे थे जल्दी ही देंगे तुमको भी ख़रीद के। तो यही सब हम लोग बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आ रहा था एकदम आनंद यहाँ पे। और यहाँ पे हम भाई को बोल रहे थे रक्षाबंधन आ रहा है क्या गिफ्ट दोगे, तो फ़ोन दे देना, तो मजाक कर रहे थे।